हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको किस फील्ड में सफलता मिलेगी, आज आपकी यश पद प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, नौकरी कब मिलेगा और किस क्षेत्र में आज सफल रहेंगे, राजनीति करेंगे या व्यापार से लाभ मिलेगा या सरकारी नौकरी करेंगे या कॉरपोरेट जगत में जाएंगे, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या है, सावधानियां क्या बरतना है और आपके लिए उपाय क्या करना है, सारी बात आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में आइए और क्या करें कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें और साथ ही साथ अपना प्रश्न भी लिखें। जो प्रश्न आप जानना चाहते हैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी हम देंगे। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज आपको शेयर से, ट्रेडिंग से काफ़ी लाभ मिलेगा। यदि आप फाइनेंस के फील्ड में कोई बड़े लेवल पर कार्य करने की प्लानिंग कर रखे हैं तो आज आपको उसमें लाभ मिलेगा। यदि आप लॉ के फील्ड में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके लिए ओवर टाइम अच्छा है, आपको उसमें काफ़ी सफलता मिलेगी। माली हालत आपकी अच्छी होगी। दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, तीर्थयात्रा इत्यादि का भी योग बन रहा है। यदि आप कोई नए तरह का कार्य, नया व्यापार या नई चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए कालखंड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। माली हालत आपकी अच्छी होगी। घर परिवार में जो भी परेशानियाँ चल रही दूर होगा। आपकी जो बहुत दिन से प्रयासरत कार्यों में सफलता नहीं मिल रही थी उसमें आज आपको सफलता मिलने वाला है। शेयर से लाभ मिलेगा। ट्रेडिंग में भी अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन आपके लिए फेवरेबल है। और विदेश गमन का भी योग बन रहा है। आयात निर्यात से लाभ मिलेगा। यदि आप शेयर में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए आश्चर्यजनक रूप से उसमें लाभ मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं या किताब लिखना चाहते हैं, पुस्तक लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। आज आप शुरुआत करें, आपकी कहानी, किताब जो भी लिखना चाहते हैं वो प्रकाशित हो सकती है। उसके प्रकाशन से आपको लाभ मिलेगा। आपको कंट्रोवर्सी से थोड़ा बचना है और देश विदेश की यात्रा भी हो सकती है। कोई नए तरह का कार्य अगर आप साझेदारी में करना चाहते हैं तभी थोड़ा बचना है। जब आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में अगर पूंजी निवेश करना चाहते हैं या किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं तो बच के रहिए, नहीं तो उसमें आज आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। तो सोच समझ करके कोई भी कार्य करने की आवश्यकता है। माता पिता का सुख मिलेगा। कोई भी कार्य करते हैं तो पिता का बिगड़ सलाह लिए कोई कार्य न करें या जो आपके मित्र हैं या जो आपके शुभचिंतक उनकी सलाह पर ही किसी कार्य की शुरुआत करें, नहीं तो उसमें आज आपको नुकसान हो सकता है। तो इसे बचने की आवश्यकता है। आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है। साझेदारी में कोई कार्य न करें, नहीं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है। आज आप गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा खिलाइए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः। आप सम्मी भी का पौधा घर में लगाएं, आपके लिए ठीक रहेगा। और भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है नीला। हरे कृष्ण।